नमस्कार रामानुज जी, आप हमारे फाइव लोटस ओपीडी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और पहले आपको क्या प्रॉब्लम थी और हमारे ओपीडी में आकर डॉक्टर्स के कंसल्ट के बाद और थेरेपिस्ट वगैरह की ट्रीटमेंट के बाद आपको कैसा फील हो रहा है अभी? स्टार्टिंग में तो मुझे जब ये प्रॉब्लम हुआ मेरे पैर में और कमर में जो दर्द हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ठीक से खड़ा होकर चल नहीं पाऊँगा। करीब 20-25 दिन तक तो मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। लेकिन मैम के बताने के बाद कि नेचुरोपैथी के द्वारा इसका समाधान हो सकता है, मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और यहाँ के जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, स्टार्टिंग में एक दो दिन तो मुझे लगा कि शायद इन मेथड्स से ये सब ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एलोपैथी, होम्योपैथी इन सभी को ट्राई कर चुका था। लेकिन यहाँ के मेथड्स को दो दिन के बाद मैंने देखा कि मेरे दर्द में धीरे धीरे कमी आने लगी और मुझे विश्वास बढ़ने लगा यहाँ के ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट मेथड से। तो मेरे अंदर वो विश्वास जगने लगा, खासकर एक दो ट्रीटमेंट जो है, जैसे स्टीम बाथ है, जैसे एक गर्म कपड़े से वो पूरे दर्द वाले पार्ट को कवर करके बहुत देर तक रखते हैं, उसके बाद वो दर्द धीरे धीरे करके कम हो जाता है। ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके की है और विश्वास नहीं होता है कि इनसे इस प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती है, लेकिन मुझे इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला और मात्र 10 से 12 दिनों में ही आज मैं अच्छे से चल सकता हूँ। और मैं अपने दोस्तों को देख करके सोचता था कि शायद मैं सीधे से खड़े होकर चल भी पाऊँगा या मेरी हड्डियाँ टेढ़ी तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन अब जाके मुझे विश्वास हो गया नेचुरोपैथी इज़ द बेस्ट मेथड टू टेक ट्रीटमेंट फॉर दिस काइंड्स ऑफ मेडिसिन डिजीजेज। ओके, थैंक यू रामानी जी, आपने विश्वास रखा नेचुरोपैथी में और अपना एक्सपेंसिव टाइम अपने जॉब से निकाल कर आपने इसमें किया और इसका बेनिफिट भी मिला आपको। हम आपका थैंक यू बहुत धन्यवाद।